संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट समाज के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा यदि जनसंख्या बढ़ोतरी दर 2.1 से कम हो जाए तो समाज का पतन होना तय है और उसे नष्ट करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं रह जाती। जनसंख्या कमी होने पर चिंता है, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक आहे असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही, कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले 2.1 च्या खाली येताना। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। वही मोहन भागवत के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा। मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए। वही कांग्रेस ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।